स्टूडेंट्स जो हमको नेक्स्ट पढ़ना है वो हमारा है कि मोशन को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं हमारे पास या फिजिकल वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में हम जो रिलेशन ड्रॉ करेंगे ग्राफिकली, उसी को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। ठीक है, ग्राफ को लेके कुछ बेसिक्स हमने यहाँ पे किया हुआ है, उसको देखते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ये मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ने वाले हैं, और ये कुछ बेसिक्स है, सम बेसिक्स रिलेटेड टू ग्राफ। ग्राफ को प्लॉट करना है तो ये कुछ बेसिक्स आपको ग्राफ प्लॉट करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है उसमें क्या कह रहा है कि इन अ ग्राफ द होरिजोंटल लाइन इज कॉल्ड एज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड एज वाई एक्सिस। बोल रहा है कि जब भी एक ग्राफ हमको मिलेगा तो उसमें जो होरिजेंटल लाइन होगी वो एक्स एक्सिस होगी हमारी, और वर्टिकल लाइन जो होगी वो वाई एक्सिस होगी। मींस कुछ ऐसा, ये जो हमारी होरिजोंटल लाइन है ये एक्स एक्सिस हो जाएगी, और ये जो वर्टिकल लाइन है वो हमारी क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू एक्सिस इज कॉल्ड एज ओरिजिन। ठीक है, तो ओरिजिन किसको बोलेंगे अगर इस ग्राफ में हम देखें तो क्या है कि जो इन दोनों एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, मींस ये दोनों कहां कट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, ओरिजिन है इसका। ठीक है, दोनों एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसको ओरिजिन बोलेंगे। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑलवेज प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस एंड वाइस वर्सा। मींस बोल रहा है कि जो वेरिएबल या जो फिजिकल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होगी दूसरी क्वांटिटी से, उसको हमेशा ही हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, इस वाले एक्सिस पे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि फोर्थ जो पॉइंट है, टाइम टी इज ऑलवेज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस। टाइम जो होगा हमारा वो हमेशा हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, इस वाले एक्सिस पे, और व्हाइल डिस्टेंस स्पीड और वेलोसिटी इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस। जबकि डिस्टेंस स्पीड और वेलोसिटी कहां पे प्लॉट की जाएगी, वाई एक्सिस पे, ये जो वर्टिकल एक्सिस है हमारा। ठीक है, वर्टिकल लाइन है। और एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों की, जो स्पीड दिया है उसी के ब्रैकेट में लिखा है आर वेलोसिटी। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि स्पीड और वेलोसिटी सेम होती हैं। इसको लिखने का केवल एक यही मतलब है कि जब भी हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे मोशन को, तो जो स्पीड होगी और जो वेलोसिटी होगी वो सेम ही होगी। अगर स्पीड आता है तो भी हम वेलोसिटी बोल सकते हैं, और वेलोसिटी आती है तो भी हम स्पीड बोल सकते हैं। ठीक है, तो शायद ये पॉइंट्स आप जानते होंगे, लेकिन ये कुछ बेसिक्स मैंने देखा, मुझे लगा कि आप सभी को बताना चाहिए। शायद कुछ लोग ना जानते हो, तो उनके लिए ये बेसिक्स है जो कि हेल्प करेगा जब भी हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो हमने कुछ बेसिक्स बता दिए, उसको आप ध्यान में रखिएगा। तो इसमें जो हमको पहला ग्राफ पढ़ना है वो पढ़ना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, पहला जो ग्राफ पढ़ना है वो है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं डीटी ग्राफ। ठीक, आप इस चीज को ध्यान रखना कि हम हमेशा डीटी ग्राफ देखेंगे, तो डी से डिस्टेंस, टी से टाइम। ठीक है, पहला ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, वो ये ड्रॉ करना है हमको कि जैसे कोई बॉडी है वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है, तो उसका ग्राफ हम कैसे ड्रा करेंगे। जो बॉडी है वो मोशन में ना होके रेस्ट कंडीशन में है। ठीक है, क्या है, इफ द पोजीशन ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज
विथ टाइम। और स्टूडेंट्स हमने ये बताया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के द्वारा हम हमेशा ही स्पीड या वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हमारा हो गया वाई एक्सिस और ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। यहां पे हमने अपना डिस्टेंस प्लॉट कर दिया और यहां पे टाइम प्लॉट कर दिया एक्स एक्सिस पे, ठीक है। हमने ये बताया कि जो टाइम होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस पे प्लॉट होगा, ठीक है, और बची हमारी डिस्टेंस तो वो वाई एक्सिस पे हो जाएगी, ठीक। अब हम क्या बोल रहे हैं कि इफ द पोजीशन ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज विद टाइम, जो बॉडी की पोजीशन है वो टाइम के साथ नहीं चेंज हो रही है, ठीक है। या एक चीज और भी यहां पे कंडीशन दे सकता है, मींस जो डिस्टेंस है वो जीरो नहीं है, टाइम क्या है जीरो है, मींस यहां से या डिस्टेंस वाले एक्सिस से कहीं हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा, इस ओरिजिन पॉइंट से ना स्टार्ट होगे। ओरिजिन से क्यों नहीं स्टार्ट होगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग की पोजीशन दी है वो डी डज नॉट इक्वल टू जीरो दिया है, मींस डिस्टेंस इस एक्सिस पे कहीं ना कहीं जीरो नहीं होगी। अगर यहां पे देखें तो जीरो नहीं होगी, यहां देखें तो जीरो नहीं होगी, मींस ओरिजिन पे ना हो बस, और टाइम हमारा जो होगा वो जीरो से स्टार्ट होगा। तो जब इस एक्सिस से वाई एक्सिस से हम ग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे तो वाई एक्सिस पे स्टार्टिंग पॉइंट पे जो टाइम होगा वो क्या होगा जीरो, एक्स एक्सिस पे हमारा वाई जीरो है, मींस टाइम एक्सिस पे डिस्टेंस जीरो है और डिस्टेंस एक्सिस पे टाइम जीरो, ठीक है, ये आप सभी जानते हो। तो वो कुछ डिस्टेंस से स्टार्ट होता है ग्राफ, तो वो कुछ इस तरीके से होगा। और स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि ये जो डिस्टेंस है वो डी डज नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस है और वहां से हमारा ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट पे टाइम है हमारा, अगर यहां पे हम टी इक्वल टू निकालें तो वो क्या है जीरो है, और यहां से जब ये इसका ग्राफ स्टार्ट होगा तो आप इससे समझोगे अगर, तो इफ द पोजिशन ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज विद टाइम, जो बॉडी की पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। आप देख सकते हो कि टाइम जो है वो लगातार चेंज हो रहा है, अगर इस पॉइंट पे देखेंगे तो टाइम कुछ और होगा, इस पॉइंट पे देखेंगे तो टाइम कुछ और होगा, इस पॉइंट पे देखेंगे तो टाइम कुछ और होगा, ठीक है, मींस टाइम तो चेंज हो रहा है, टाइम तो भाई चेंज हो गई। अगर हम यहां पे बैठे हैं मोशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो भी टाइम चेंज होगा, हम मोशन करने लगेंगे तो भी टाइम चेंज होगा। तो यहां पे ये मोशन नहीं कर रहा है क्योंकि जहां से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, जिस डिस्टेंस से ये स्टार्ट होता है ग्राफ, वहां के बाद से डिस्टेंस कहां बढ़ रही है, ऊपर तो जा नहीं रहा ग्राफ, तो डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है, उसके बाद टाइम केवल बढ़ रहा है, ठीक है। तो जब जो बॉडी है वो टाइम के साथ कोई भी डिस्टेंस नहीं कवर कर रहा है, मींस अपनी पोजीशन को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर रहा है, मींस ग्राफ कैसा होगा हमारा, रेस्ट पोजीशन का ग्राफ होगा। और इसी ग्राफ को क्या बोलेंगे, ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस। जो दूसरा हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, बी हम बोल सकते हैं, वो क्या है कि जब जो मोशन है वो कैसी होगी, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन, ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है, ये यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, ठीक है, आप जाके हमारा वीडियो देख सकते हो, ठीक है, चैनल पे। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि जब जो बॉडी है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करे, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा स्टूडेंट्स, इधर हमने टाइम को प्लॉट कर दिया, अगेन इधर हमने डिस्टेंस को प्लॉट कर दिया, ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक। तो इसका जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन। ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, मींस यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होगा हमारा, स्ट्रेट लाइन,
ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां पे आप देख रहे हो कि इसके किसी भी पॉइंट पे अगर यहां पे हम देखें, ठीक है, तो यहां पे जो टाइम होगा जिस रेशियो में चेंज हो रहा है उसी रेशियो में इसकी डिस्टेंस भी चेंज हो रही है। अगर इस पॉइंट पे देखें तो यहां पे अगर देखें तो टाइम का जो इंटरवल होगा वो भी इक्वल होगा और डिस्टेंस जो कवर की जाएगी वो भी इक्वल होगी, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, तो हम ये देख सकते हैं कि जो टाइम का इंटरवल होगा वो भी सेम होगा और जो डिस्टेंस कवर की जाएगी उस टाइम इंटरवल में वो भी क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन का जो डीटी ग्राफ होगा वो हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, या फिर अगर कोई डीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो हम क्या बोलेंगे, मोशन कैसी हमारी, यूनिफॉर्म। स्टूडेंट्स हमने अभी बताया कि जो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है वो हमारा स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। और हम पहले बता चुके हैं स्टार्टिंग में ही कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है उससे हमेशा ही हमको क्या मिलता है, स्पीड या वेलोसिटी मिलती है, ठीक है। तो इस यूनिफॉर्म मोशन वाले ग्राफ में हम वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करो आप, ये जो स्ट्रेट लाइन है उस पे कोई पॉइंट आप ले लो, ठीक है, जहां पे आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है, ठीक है। जैसे हमने यहां पे ले लिया एक पॉइंट, उसके बाद एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो टाइम एक्सिस पे, ठीक है। तो ये हमने ए मान लिया पॉइंट और यहां पे ओरिजिन जो हमारा है वो ओ है, इसको हम पी मान ले रहे हैं, ठीक। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, इसकी स्पीड। स्टूडेंट्स आप सभी पढ़े होंगे जब भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है तो हम स्लोप निकालते हैं, ठीक है। तो स्लोप कैसे निकलता है ग्राफ का, वो y अपॉन x एक फॉर्मूला होता है, मींस y एक्सिस पे जो भी डिस्टेंस होगी या फिर टाइम होगा वो डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस पे जो भी डिस्टेंस या टाइम होगा, इन दोनों का जो रेशियो होगा वही क्या होगा, हमारा स्लोप होगा, और इसी स्लोप से हमको स्पीड पता चलेगी, ठीक है। दिखाते हैं हम कैसे, वाई एक्सिस पे अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो हमारा क्या है, जो डिस्टेंस है वो कितना है वाई एक्सिस पे, इस पॉइंट पे हमको स्पीड कैलकुलेट करनी है इसकी, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम मार्क कर देते हैं क्यू, तो y एक्सिस की जो OQ डिस्टेंस है वो AP के बराबर ही तो है, पैरेलल है, तो जो y एक्सिस पर डिस्टेंस की वैल्यू है वो कितनी है, AP है हमारी, और x एक्सिस पे हमारा क्या है, टाइम है, ठीक। तो टाइम कितना है हमारा, इस पॉइंट पे हमको कैलकुलेट करना है, इसलिए तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो यहां पे टाइम कितना है, OA, ठीक है। तो ये जो होगा, अब यहां पे क्या मिल रहा है हमको, ये क्या है, एपी क्या है हमारी, एपी क्या है, एक तरीके से डिस्टेंस है, डिस्टेंस, और ओए क्या है हमारा, टाइम है, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड ही तो होती है, ठीक। तो यदि हमको यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ में स्पीड कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन पे कहीं भी एक पॉइंट लेंगे, वहां से हम टाइम एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद उसका स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे, जो स्लोप आएगा वही उसकी क्या होगी, स्पीड होगी, ठीक है। इसके बाद जो हमको पढ़ना है स्टूडेंट्स वो है हमारा तीसरा पॉइंट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जो टाइम का इंटरवल हो वो तो इक्वल हो लेकिन जो डिस्टेंस कवर की जाए वो अनइक्वल हो, ठीक है। तो इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करें हम तो किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ये हमारा टाइम एक्सिस हो गया और वाई एक्सिस पे हमारी डिस्टेंस हो गई, ठीक। इसका ग्राफ जो आता है वो कर्व डिजाइन आती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है ये। तो
तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में ग्राफ कैसा आएगा हमारा? ग्राफ इज कर्व्ड लाइन, ठीक है? स्ट्रेट लाइन कब आया था? यूनिफॉर्म मोशन के केस में, ठीक स्टूडेंट्स? ये ग्राफ जो हमारा था नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, वो कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है? ये हमारा डिस्टेंस हो गया और ये हमारा टाइम हो गया, तो वो कुछ इस तरीके से हो सकता है। इसके पहले वाला कैसा था, हमने बनाया था ये ऐसा, ठीक है? ये नॉन यूनिफॉर्म का है और ये भी नॉन यूनिफॉर्म का है। या इस केस में आप बोल सकते हो कि जो ग्राफ है वो हमारा किस तरीके से आ रहा है, पैराबोला, ठीक है? जो पैराबोला होता है वो इसी तरीके से होता है, ये ऐसे कुछ उसका फिगर होता है इस तरीके से, ठीक है? तो यहाँ पे आप कर्व्ड बोल सकते हो या पैराबोलिक बोल सकते हो ग्राफ, ठीक है? तो अगर ऐसे बना है, ठीक है, ग्राफ हमारा इस तरीके से जा रहा है, तो भी ये कैसी मोशन है हमारी? नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है? कभी कभी हमको जो डीटी ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से मिलता है। ये हमारा टाइम एक्सिस हो गया और ये हमारा डिस्टेंस हो गया, तो वो किस तरीके से मिलता है? ऐसे भी ग्राफ मिलता है आपको। ये भी क्या है? स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक है? तो इस केस में आप क्या देख रहे हो कि जो डिस्टेंस है स्टार्टिंग पॉइंट पे, जो डिस्टेंस है वो जीरो नहीं है एट स्टार्टिंग, ठीक है? स्टार्टिंग पॉइंट पे जो डिस्टेंस है वो जीरो नहीं है और टाइम क्या है? जीरो है, क्योंकि डिस्टेंस एक्सिस पे जो टाइम होगा वो जीरो होगा, ठीक है? तो ये ग्राफ भी हमारा स्ट्रेट लाइन आ रहा है। बस डिफरेंस इतना है कि ये जो ग्राफ है वो ओरिजिन से ना स्टार्ट होके कुछ डिस्टेंस से स्टार्ट हो रहा है। तो इस कंडीशन में भी जो मोशन होगी बॉडी की वो क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी, ठीक है? क्योंकि हमारा ग्राफ कैसा आ रहा है? स्ट्रेट लाइन आ रहा है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमको वीटी ग्राफ पढ़ना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है? वेलोसिटी के जगह आप स्पीड टाइम ग्राफ भी बोल सकते हो, ये हमने स्टार्टिंग में ही बताया है। वीटी ग्राफ या फिर आप बोल सकते हो एसटी ग्राफ, ठीक है? दोनों में से कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो, वीटी ग्राफ या एसटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या फिर स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है? तो इसमें जो हमको पहला ग्राफ पढ़ना है वो है when the speed is constant, ठीक है, या velocity constant। तो इसका जो graph बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ये हमारा time axis हो गया और ये vt graph है, इस वजह से अब y axis पे हम किसको plot करेंगे? speed को, ठीक है? तो क्या बोल रहा है कि जो कंडीशन है व्हेन द स्पीड इज कांस्टेंट, जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है? तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक? यहां पे आप देख रहे हो कि जो हमारा टाइम है वो क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे अगर देखें तो टाइम कुछ और है, इस पॉइंट पे देखें तो पहले वाले कंडीशन से टाइम अलग है, इस पॉइंट पे देखें तो भी टाइम क्या है? अलग है। मींस टाइम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। लेकिन अगर स्पीड देखें तो स्पीड क्या है? इस पॉइंट पे भी जो स्पीड है वो सेम है, इस पॉइंट पे भी स्पीड सेम है, इस पॉइंट पे भी स्पीड क्या है? सेम है, ठीक है? तो जो स्पीड है वो क्या है? कॉन्स्टेंट है, ठीक है? या फिर आप बोल सकते हो कि व्हेन द स्पीड इज यूनिफॉर्म, अगर ये भी बोलता है कांस्टेंट के अलावा स्पीड को यूनिफॉर्म बोल दिया तो भी क्या होगा? ग्राफ हमारा ऐसे ही प्लॉट होगा, ठीक? इस केस में जो ग्राफ का नेचर होगा वो कैसा है? ग्राफ इज
पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। ग्राफ हमारा क्या आ रहा है, टाइम एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, ठीक है। हमने ये बताया कि वीटी ग्राफ या एसटी ग्राफ से हमको हमेशा ही एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक। एक्सेलरेशन क्या होता है स्टूडेंट, अगर किसी भी मूविंग बॉडी की जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन हो रहा है हमारा, ठीक है। जैसा कि आप फॉर्मूला भी जानते हो कि a इक्वल्स टू v माइनस u बाई टी, ये क्या है हमारा, चेंज इन वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो जब वेलोसिटी चेंज होगी तभी एक्सेलरेशन होगा हमारा, या फिर बोल सकते हो जब स्पीड चेंज होगी तभी एक्सेलरेशन होगा हमारा, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या है स्टूडेंट्स, व्हेन द स्पीड इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म, जो स्पीड है बॉडी की वो कैसी है, कांस्टेंट है, मींस जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है, और जब वेलोसिटी ही चेंज नहीं हो रही है एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, मींस एक्सेलरेशन की बात ही हम नहीं करेंगे इस केस में, या फिर आप बोल सकते हो कि जो एक्सेलरेशन आएगा वो हमारा जीरो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन होने के लिए हमको क्या चाहिए, वेलोसिटी में चेंज चाहिए, और जब वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन हमारा नहीं हो रहा है, नो एक्सेलरेशन बोल सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो हमारा ग्राफ था कॉन्स्टेंट स्पीड के केस में वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू टाइम एक्सिस आ रहा था, लेकिन हम डिस्टेंस बॉडी के द्वारा कितनी चली गई है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे कि जो ग्राफ आ रहा है हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उस स्ट्रेट लाइन पे कहीं भी एक पॉइंट लोगे और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे, कहां पे, टाइम एक्सिस पे या एक्स एक्सिस पे, ठीक है। हम लेते हैं कि ये पी है हमारा और ये क्यू हो गया, ये हमारा ओरिजिन क्या है, ओ है, ठीक है। तो अब क्या निकालोगे आप, कैसे, हमको निकालना है डिस्टेंस वीटी ग्राफ के थ्रू डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो हमारी स्पीड कितनी है, ये जो अगर ये पॉइंट को हम m मान ले, ठीक है, ये हमारी स्पीड है, मींस स्पीड इज एक्सिस है, अगर इस पॉइंट को हम m मान लेते हैं तो जो हमारी स्पीड है इस पॉइंट पे, स्पीड की वैल्यू कितनी है, ओ एम है, या फिर आप पी क्यू बोल सकते हो, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, पी क्यू इंटू जो टाइम होगा वो कितना है इसके बीच में, ओ क्यू है, ठीक है। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी, पी क्यू इंटू ओ क्यू, मीन्स y एक्सिस पे ये जो वैल्यू होगी और x एक्सिस पे ये जो वैल्यू होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी डिस्टेंस आ जाएगी, मींस जो मूविंग बॉडी है वो कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। या फिर आप क्या बोल सकते हो, अगर आप स्टूडेंट देखो तो ये क्या है, एक तरीके से ये हमारा जो है वो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का अगर एरिया निकालें तो हम क्या होता है, एल इन टू बी, और यहाँ पे लेंथ कितनी है, आप किसी को भी ले लो, अगर हम पी क्यू को लेंथ ले ले रहे हैं, पी क्यू ये हमारा, तो पी क्यू इंटू ब्रेथ हमारी ये हो जाएगी ओ क्यू, तो ये भी क्या आ रहा है, वही सेम चीज तो आ रहा है। तो आप क्या करो, अगर रेक्टेंगल का एरिया भी निकाल दो तो भी क्या होगा हमारा, डिस्टेंस निकल जाएगी, ठीक है। स्टूडेंट्स जो हमको नेक्स्ट वीटी ग्राफ पढ़ना है वो है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आप जानते हो, ठीक है, कि जब भी जो टाइम का इंटरवल हो वो इक्वल हो और जो वेलोसिटी हो वो इक्वल अमाउंट में चेंज हो तो क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो इसका जो ग्राफ होगा वो dt ग्राफ के अकॉर्डिंग ही आएगा, जैसे कि हमारा यूनिफॉर्म मोशन का आया था स्ट्रेट लाइन, ये हमारी स्पीड हो गई और ये हमारा टाइम हो गया, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा स्ट्रेट लाइन,
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, मींस यहां पे जो बॉडी की स्पीड है वो क्या है, टाइम के साथ चेंज हो रही है, ठीक है, और जब भी स्पीड या वेलोसिटी में चेंज होगा तभी हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे। अगर इस पॉइंट पे देखो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो आप, तो क्या दिख रहा है आपको, जो वेलोसिटी का अमाउंट है वो टाइम के साथ सेम है, यहां पे क्या है, यहां भी सेम है, यहां पे क्या है, सेम है, मींस जिस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है उसी रेट से हमारा टाइम भी चेंज हो रहा है, इसी वजह से क्या बोल रहे हैं, जो एक्सेलरेशन है वो हमारा कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। अगर इस केस में हमको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हो, तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करेंगे कि हम इस स्ट्रेट लाइन पे एक कोई पॉइंट लेंगे पहले की तरह और परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, ठीक है, ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी हो गया और ये हमारा ओरिजिन ओ हो गया, ठीक है। अब इसका ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप निकलेगा और स्लोप ही हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन, स्लोप इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स, और वाई एक्सिस पे क्या है ये, अगर इसको यहां से हम मीट करा दें, मिला दें, तो हमारा ये अगर पी पॉइंट है तो वाई एक्सिस पे जो स्पीड है वो पीओ है ए पॉइंट के लिए, और ए पॉइंट के लिए जो टाइम है वो ओबी है, और ये पीओ किसके बराबर है, एबी के बराबर, तो वाई एक्सिस पे हम क्या ले लेंगे, एबी, और एक्स पे क्या है हमारा टाइम जो है वो कितना है, ए पॉइंट पे ओबी, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर इस केस में हम डिस्टेंस कैलकुलेट करें कि जो बॉडी है वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वो कैसे निकालेंगे, या तो हम इस रेक्टेंगल ओबी एपी का एरिया निकाल लें और उसको हाफ कर दें, या फिर इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दें, ठीक है, तो जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओबी एपी, ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ओबी इंटू एबी, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस। स्टूडेंट्स कभी कभी जो हमारा वीटी ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से दे देता है, ये हमारा टाइम एक्सिस है और ये हमारी स्पीड है, तो जब भी इस तरीके का वीटी ग्राफ मिले आपको तो यहां पे क्या हो रहा है, जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन हमारा डिक्रीज हो रहा है, और जब भी एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा, ठीक है, मींस जो वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज करेगी तो भी एक्सेलरेशन होगा, लेकिन उस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा या फिर रिटार्डेशन होगा, ये पहले हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा है। तो अगर ऐसा ग्राफ मिलता है हमको तो हम क्या बोलेंगे कि ये किस चीज का ग्राफ है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का, ठीक है। तो यदि आपको ऐसा वीटी ग्राफ दिखता है तो आप क्या बोलोगे, किस चीज का ग्राफ है ये, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का। स्टूडेंट्स यदि एक केस दिया हुआ है कि इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज नॉट जीरो, ठीक है, u डज नॉट इक्वल टू जीरो, हमने इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्ट u लिख लिया है, आप समझ ही रहे हो इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हो, तो अगर किसी भी मूविंग बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो नहीं है तो ग्राफ हमारा कैसे ड्रॉ होगा, ठीक है। पिछले वाले केस में क्या था, जो हमारा
वेलोसिटी था स्टार्टिंग पॉइंट पे वो जीरो था, क्योंकि जो हमारा ग्राफ था वो यहां से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन जा रहा था। लेकिन यहां पे क्या दे रहा है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है स्टूडेंट्स वो हमारी जीरो नहीं है, ठीक है, जीरो नहीं है, मींस उसकी कुछ वैल्यू है। तो ग्राफ कहीं यहां से स्टार्ट हो सकता है, यहां से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन वो भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, बस कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो गई है स्टूडेंट्स। क्या वो ये कि जो इनिशियल वेलोसिटी थी अभी तक हमारी वो जीरो रहती थी, लेकिन यहां क्या है, जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू जीरो नहीं है, कुछ वेलोसिटी से इसका जो ग्राफ है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर इस केस में हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे करेंगे, फिर से अपना हम वही पुराना वाला काम करेंगे, जो स्ट्रेट लाइन है उस पे कहीं पॉइंट लेंगे और हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे टाइम एक्सिस पे, ठीक है। और ये अगर पॉइंट M मान लेते हैं हम, इसको हम P मान लिए, ये हमारा O हो गया, तो यहां से इसको हम मिला देते हैं, ये हम पॉइंट N मान लें, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमको कैलकुलेट करना है अपना एक्सेलरेशन, क्योंकि VT ग्राफ से हमको एक्सेलरेशन ही मिलता है, ठीक है। तो इस केस में हम पहले क्या करेंगे कि जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है उसमें से हम इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो नहीं है, पिछले वाले केस में जीरो थी, इस वजह से V2 माइनस V1 करने पे हमारी V2 की वैल्यू आ रही थी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है इसकी, ठीक है। तो हम फिर से स्लोप निकालेंगे, स्लोप से ही हमारा एक्सेलरेशन निकलेगा, ठीक है। स्लोप आप कैसे निकालते हो, y अपॉन x करके, तो y एक्सिस पे जो स्पीड होगी हमारी वो ले लोगे और x एक्सिस पे जो हमारा टाइम होगा उसको ले लोगे, दोनों चीज का जो रेशियो होगा वही स्लोप होगा और वही हमारा वहीं से एक्सेलरेशन निकल जाएगा, ठीक है। तो y एक्सिस पे अगर आप देखो ग्राफ यहां से m पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको पहले ये जो स्पीड है वो इस फाइनल स्पीड में से सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है उसकी। तो आप क्या करोगे, y के जगह पे क्या रखोगे, ये जो पूरी y की वैल्यू है y एक्सिस पे वो क्या है, अगर इस पॉइंट को आप q मान ले रहे हो तो PQ है फाइनल जो वेलोसिटी है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी है, क्यूपी है पूरी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारी, ओएम है या क्यूएम है, ओएम, और इसको आप क्या करोगे टाइम से डिवाइड कर दोगे, टाइम हमारा है ओक्यू। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमारा क्या आएगा, क्यूपी मींस फाइनल वेलोसिटी उसकी, om means initial velocity उसकी divided by oq, qp minus om divided by time oq, ठीक है। Students अगर इस केस में हम distance calculate करें वो कैसे कर सकते हैं, ये हमारा क्या है om pq, ये एक trapezium है, तो अगर हम इसका area निकाल लें तो वही area हमारा क्या होगा, distance होगा, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, मींस जो डिस्टेंस होगी वो हमारी कैसे निकलेगी, एरिया ऑफ ट्रॉपीजियम, ठीक है। और ट्रॉपीजियम का एरिया क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। तो पैरेलल साइड इसकी कौन कौन सी हैं, एक OM है और एक PQ है, तो क्या हो जाएगा OM प्लस PQ इंटू हाइट, हाइट कितनी है, ये हमारा क्या है, ये
ये है हमारा ट्रॉपीजियम ओ एम पी क्यू, तो इसकी हाइट क्या है, यही तो इसकी हाइट है ना, अगर इसको इस तरीके से रोटेट कर दें तो हाइट इसकी क्या बन जाएगी, ओ क्यू, तो हाइट क्या हो जाएगी, ओ क्यू डिवाइडेड बाई टू, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, यही क्या है एरिया ऑफ ट्रॉपीजियम है, और वो किसके बराबर होगा, डिस्टेंस के बराबर, ठीक है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट और लास्ट ग्राफ जो हमको पढ़ना है वो ये है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। ठीक है, जो एक्सेलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, ये हमारा हो गया स्पीड और ये हमारा हो गया टाइम। ठीक, तो जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ आता है वो कर्व आता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये किसका ग्राफ होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक, इस केस में जो वेलोसिटी है वो इक्वल अमाउंट में चेंज नहीं होगी, बट टाइम इंटरवल हमारा इक्वल रहेगा, वो इररेगुलर मैनर में चेंज हो रही है हमारी जो वेलोसिटी है। ये ग्राफ कभी कभी हमको इस तरीके से भी अगर दे दिया कुछ ऐसे, ये हमारा स्पीड है ये टाइम है, तो ये ग्राफ भी क्या होगा, ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही ग्राफ है। ठीक है, ये तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ये ग्राफ हो गया, ऐसे भी देख सकता है ऐसे भी देख सकता है। स्टूडेंट्स आपको यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो हमको, ठीक है, और जो भी चैनल पे नए हो इनको चैनल को सब्सक्राइब करना, आप सभी से ये रिक्वेस्ट है हमारी, और आपको वीडियो कैसा लगा हमारा ये आप कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। ठीक है।